गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास की शुरुआत कर रहे हैं और जैसा कि हम लोग अभी जानते हैं और कन्वे करेंगे कि यूनिट टेस्ट 22 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच होना है। उसका प्रोग्राम एग्जामिनेशन विभाग की ओर से दिया जाएगा। हम लोग आज चैप्टर का शुरुआत, एक सिलेबस की शुरुआत करते हैं और तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर्स दिए हुए उसमें से कुछ पोर्शंस रिड्यूस किए गए, हटा दिए गए हैं, उसका भी मैसेज हम भेज देंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग का है, तुम्हारे पास सभी बच्चों के पास अगर बुक्स होगा अपना अपना एनसीईआरटी बुक्स तो देखना, फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ मूल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री एक साइंस का ब्रांच है। हम लोग जानते हैं कि साइंस के कई ब्रांच होते हैं, उसमें फिजिक्स है, बायोलॉजी है, जियोलॉजी है वगैरह, बहुत सारे ब्रांच है। उसमें केमिस्ट्री एक ब्रांच है। इसका काम है डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर का कंपोजिशन कैसा है, किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है, वो एलिमेंट्स एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड हैं, उसके एटम्स यानी उसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार है और फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और ये सब चीज़ें, ये सब एस्पेक्ट्स मैंने उसके कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज, दिस कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर जो कि जानते हैं इलेक्ट्रॉन, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसीलिए तो केमिस्ट्री को कहा जाता है साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब सवाल उठता है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को क्या हम देख सकते हैं, क्या हम तौल सकते हैं, क्या हम इसको परसीव कर सकते हैं, पता चलेगा इतने छोटे हैं कि ना देख सकते हैं ना तौल सकते हैं सीधे सीधे, बट उसको क्या काउंट कर सकते हैं, और उसका जो मास है कोई सर्टेन गिवन मास उससे उसका नंबर पता कर सकते हैं। तो नाइन्थ में हम लोग पढ़े थे यस दैट कैन बी डन इफ़ द गिवन मास और उसका मोलर मास मालूम है तो डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकलता है और वन मोल इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर होता है। एवोगाड्रो नंबर हमें पता है, यानी मास और उसके नंबर को हम लोग को रिलेट एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। सो दिस इज वन। उसके बाद है कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है। तो कहता है कि केमिस्ट्री तो छोड़ो, साइंस इज द कंटिन्यूइंग ह्यूमन इफर्ट्स माने प्रयास ऑफ सिस्टमेटाइजिंग नॉलेज। जो भी नॉलेज है उसको सिस्टमेटाइजिंग करना है। कहा है भाई क्यों सिस्टमेटाइज करना है, फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द नेचर। हमारा जो ये नेचर है इसको हमको डिस्क्राइब करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन के बारे में कहा जाता है, एप्पल जब उसने गिरता हुआ देखा तो उसने बार बार गिरते हुए देखा तो फिर उसका रीजन निकला कि वो नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है। अंडरस्टैंड किया उसने नेचर को, तो पता चला नेचर में फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको डिटेल डिस्कशन अभी नहीं करेंगे हम लोग। तो ये बातें हैं, उसमें से उसी का एक ब्रांच है केमिस्ट्री, जिसमें पता कि कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज, कई बार कहते हैं इंट्रैक्शन ऑफ मैटर। और केमिस्ट का एक ही मकसद होता है कि केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, एक सब्सटेंस है उसको दूसरे सब्सटेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, भाई केमिकल रिएक्शन सभी हम लोग जानते हैं। अब क्या है कि केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल्स है यानी केमिस्ट्री के जो नॉलेज है वो अप्लाइड होते हैं डाइवर्स एरियाज में, मैंने बहुत तरह के एरियाज में, जैसे कि कहा जाता है कि ये जो वेदर पैटर्न है, मौसम कैसा रहेगा, ये जो हमारा ब्रेन फंक्शन करता है जिसमें बचाते हैं, बॉडी के अंदर केमिकल्स होता है वो न्यूरॉन्स के द्वारा मैसेज भेजते हैं, यानी फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन है, ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें जो है डाइवर्स एरियाज हैं केमिस्ट्री के। और फिर इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें, केमिकल इंडस्ट्री क्या करता है, केमिकल इंडस्ट्री जो कि लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर करता है फर्टिलाइजर, एसिड, बेस, सॉल्ट, ड्रग मैंने दवाइयाँ, डाइज, पॉलीमर्स, बहुत सारी चीज़ें जो करता है उससे देश की इकोनॉमी बढ़ती है, बहुत सा कमाई होता है, पैसा आता है देश को, तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद क्या करता है कि केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल हैं यानी केमिस्ट्री के नॉलेज हैं वो यूज होते हैं टू मीट द नीड ऑफ ह्यूमन नीड, मनुष्य की जरूरत है, जैसे फॉर फूड के लिए, फॉर मेडिसिन है यानी कि
हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के लिए और बहुत सारे मटेरियल के लिए ज़रूरी है। और इसका एग्जेम्प्लीफाइड ये कर सकते हैं कि इसका उदाहरण क्या है कि इंडस्ट्री जो है प्रोड्यूस करता है फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर करता है तो फूड ज़्यादा ग्रो करेगा तो लार्ज पॉपुलेशन को खाना मिलेगा, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ताकि कीड़े कम पड़े और अनाज बढ़िया से उपजे, इसके लिए केमिस्ट्री का ही कंट्रीब्यूशन होता है, केमिस्ट्री का ही कंट्रीब्यूशन होता है। बहुत सा लाइफ सेविंग ड्रग, एकदम जीवन को बचाने वाले ड्रग जैसे कि सिस्प्लाटिन और टैक्सोल नाम का जो दवा है, बहुत सारे हो सकते हैं। इनको एग्जाम्पल है कैंसर थेरेपी, मैंने कैंसर के इलाज में एजिडोथायमिडिन इसका नाम है, एड्स विक्टिम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये लाइफ सेविंग ड्रग्स। ऐसे बहुत सारे ड्रग्स या तो प्लांट से प्राप्त किए गए हैं या एनिमल से, बहुत सी आयुर्वेदिक दवा तो प्लांट से ही प्राप्त किए जाते हैं या एनिमल से, या फिर लैब में सिंथेसाइज किया गया। फिर केमिस्ट्री का और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्यों जो दिनों दिन केमिस्ट्री का नॉलेज बढ़ता गया तो बहुत सा न्यू मटेरियल बना, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज वाला, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑप्टिक प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल सुपर कंडक्टर सिरेमिक्स का सुपर कंडक्टर बनाएगा, पॉलीमर्स का कंडक्टर बनाएगा। हम लोग सभी जानते थे मेटल्स आर द कंडक्टर्स, नहीं पॉलीमर्स। तुम अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे पॉलीएसिटिलीन एक पॉलीमर है, एसिटिलीन गैस से बना हुआ और वो कंडक्टर के रूप में बहुत बढ़िया काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर, ये सारी चीज़ों को देखोगे तो पता चलेगा कि ये स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक या ऑप्टिक प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंस। बहुत सी चीज़ें और भी समय के साथ केमिस्ट्री एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज के साथ, पहले होता था सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी ये यूज होता था रेफ्रिजरेंट के रूप में, लेकिन ये ओजोन के लेयर को डिप्लीट करता था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसीलिए इसके सब्स्टिट्यूट, बेटर सब्स्टिट्यूट सेपर अल्टरनेटिव्स का डिस्कवरी हुआ। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पहले तक ग्रीन हाउस गैसेस CO2 है, मीथेन है, इसका मैनेजमेंट अभी नहीं हो पाया है, समय के साथ ही सब हो। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अब हम लोग को सिलेबस के हिसाब से देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो हम लोग जानते हैं कि एवरी सब्सटेंस, हर सब्सटेंस का अपना यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होता है। हर सब्सटेंस का, सब लोग जानते हो वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सीसी है, किसी का नहीं। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका अपना है, किसी का भी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, एक्सेप्ट वाटर यानी H2O, किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री नहीं है, एक्सेप्ट वाटर, किसी का डेंसिटी 1 ग्राम क्यूबिक सीसी नहीं है, एक्सेप्ट वाटर। तो दीज आर सम ऑफ द, इस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका, आई थिंक 1.33 या कितना है, फिजिक्स वाले बताएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हर सब्सटेंस का होता है, और हर सब्सटेंस, वाटर का अपना एक कलर है जैसे ट्रांसपेरेंट है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, फेरस सल्फेट लाइट ग्रीन कलर का होता है, सबका अपना अपना कलर है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज को सब्सटेंसेस के प्रॉपर्टीज को ब्रॉडली दो भाग में बांट देते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डू नॉट इन्वॉल्व द चेंज इन आइडेंटिटी एंड कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस की पहचान, उसका कंपोजिशन, जैसे वाटर अगर H2O है, उसकी प्रॉपर्टीज कोई ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ो H2O से H2O ही रहना चाहिए, उसको H2O केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो बोलो सर ऐसा क्या होता है, कलर देख लो इसमें कौन सा कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, उसकी डेंसिटी नाप लो कौन सा कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, वाटर का मास और वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, डेंसिटी निकल गई, उसमें H2O को क्या हो गया, H2O ही रहा। सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, वाटर को फ्रीज करा दो बर्फ बन गया, तो उससे क्या हुआ, H2O तो ही रहा, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरह की चीज़ें जो हम लोग मेजर कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर, उसके आइडेंटिटी और कंपोजिशन को बिना चेंज किए कर सकते हैं, वो सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। कुछ और भी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हम लोग मेजर करते हैं, जैसे कि लेंथ, किसी भी सब्सटेंस का लेंथ, कोई मैटर का लेंथ कितना है, एरिया कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका डेंसिटी कितना है। तो ये जो मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं,
और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है विच इन्वॉल्व्स दी केमिकल चेंज होना चाहिए। जैसे तुम देखना चाहते हो कोयला जलता है तो क्या बनता है, तो CO2 बनता है, कंपसन हो गया, दिस इज केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि सी से CO2 बन गया, केमिकल कंपोजिशन यानी केमिकल चेंज हो गया, उस तरह की प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। अभी हम लोग बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी पर, अभी नहीं जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसको मेजर करने की जरूरत होती है, क्वांटिटेटिव फिजिकल क्वांटिटीज भी कह सकते हो, और उसका मेजरमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, उसका एक नंबर यूज करना पड़ता है फॉलोड बाय यूनिट। फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ ए रूम या ऑफ ए रूम, किसी रस्सी की लंबाई, तो ये एक लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको यह क्वांटिटेटिव मेजरमेंट देगा, ये क्वांटिटी बताना पड़ेगा कितनी लंबाई। कोई कहता है 5, गलत, इनकम्प्लीट, क्योंकि 5 के बाद इधर कोई यूनिट नहीं यूज हुआ, कोई यूनिट नहीं यूज हुआ है, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट है। अब इसमें क्या है, रोप की लंबाई हो सकता है, अगर किसी ने लिखा मीटर देन इट्स ओके, तभी क्या है नंबर है या न्यूमरल है, ये एक नंबर यूज हुआ नंबर, और इसको कहते हैं तो क्वांटिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें क्वांटिटी जो होती है कितनी क्वांटिटी, उसके लिए एक नंबर यूज होता है, उससे ठीक बात एक यूनिट यूज होता है जैसे कि मीटर, देन इट इज़ कम्प्लीट। अब क्या मेजरमेंट के बहुत सारे यूनिट्स हुए, शुरू में मेट्रिक सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम, मेट्रिक सिस्टम डेवलप हुआ फ्रांस में और वो ज़्यादा कन्वीनियंट था क्योंकि वो बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड था। लेकिन समय के साथ 1960 में पूरे वर्ल्ड में अप्लीकेबल होने लगा। 1960 में एक सिस्टम आया, इंटरनेशनल सिस्टम, SI सिस्टम, और इस सिस्टम में 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को पहले चूज किया गया और उसके 7 बेसिक यूनिट्स लिए गए, 7 बेसिक यूनिट्स लिए, हर फिजिकल क्वांटिटी का 7 बेसिक, बेसिक का एक प्राइवेसी सब फंडामेंटल भी होता है, तो कई किताबें उनको फंडामेंटल भी लिखा हुआ मिल सकता है, फंडामेंटल बेसिक और फंडामेंटल एक ही बात है हिंदी में, मोल ये मूल या मौलिक। तो 7 फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे लेंथ एक क्वांटिटी है उसका अपना यूनिट है मीटर, उसी तरह से 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, 7 बेसिक यूनिट्स, ये सबसे पहले SI यूनिट ने तय किया। और यहाँ से बाकी फिजिकल क्वांटिटी जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज है उसके यूनिट्स इसी बेस यूनिट से फिर डिराइव किए गए। फॉर एग्जाम्पल ये जो 7 बेस यूनिट्स है उसका एक लिस्ट बनाते हैं हम लोग, ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है उसका बेस फिजिकल क्वांटिटी या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज में आता है हमारा, क्वांटिटीज में आ गया तुम्हारा, पहला आ गया एक नंबर में लेंथ, दूसरा आ गया मास, तीसरा हो गया टाइम, चौथा हो गया इलेक्ट्रिक करेंट, पांचवा हो गया थर्मोडाइनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर भी बोलते हैं इसको या स्केल भी बोलते हैं टेम्परेचर, छठा हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सातवां हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका सबका सिंबल होता है। क्वांटिटी को शॉर्ट में लिखना हो, इतना बड़ा स्पेलिंग करके लिखना नहीं पड़ेगा, तो लेंथ के लिए L लिखेंगे, मास के लिए L लिखेंगे, टाइम के लिए
देखेंगे स्मॉल टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल आई, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी, टाइम के लिए स्मॉल टी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए स्मॉल एन, और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए आई न्यू, ये न्यू है न्यू एन आई न्यू करंट है आई। अब इसके सर्टेनली कुछ यूनिट्स हो, यूनिट्स यूनिट में एसआई तो लेंथ का है मीटर, मास का है किलोग्राम, टाइम का है सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का है केल्विन, सब्सटेंस का है मोल, और इसका है केंद्र। अब जरा देखो, गौर करो, क्या हम लोग हमेशा मीटर को एम ई टी आर ई लिखना पसंद करते हैं? क्या किलोग्राम को इतना बड़ा स्पेलिंग करके लिखना पसंद करते हैं? क्या हमेशा साइंस की पढ़ाई करते समय सेकंड का इतना बड़ा स्पेलिंग लिखना चाहते हैं, एम्पियर को इतना स्पेलिंग के साथ लिखना चाहते हैं, केल्विन को इतना लिखना चाहते हैं? नहीं, सबका एक सिम्बॉल है, छोटा यूनिट सिम्बॉल। फॉर एग्जाम्पल, मीटर के लिए है एम, किलोग्राम के लिए है के जी, सेकेंड के लिए है स्मॉल एस, एम्पियर के लिए है कैपिटल ए, केल्विन के लिए है कैपिटल के, और मोल के लिए है एम ओ एल, और कैंडेला के लिए है सी। ये जो सेवन बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इसको भी फुल नेम ना लिखना पड़े उसके लिए, इसका इस क्वांटिटी का नाम है, ये क्वांटिटी का सिंबल है, शॉर्ट में इस क्वांटिटी को लिखना, ये क्वांटिटी है, और इसको मेजर करने के लिए ये यूनिट्स है। अब यूनिट स्पेलिंग करके लिखना हो या सिंबल में लिखना, तो प्रैक्टिकली हमेशा हम लोग सिंबल में लिखते हैं। लेंथ का एल से लिखेंगे, एल इक्वल टू 5 मीटर, टेन है तो 10 मीटर, लाइक दैट। और अब ये है क्या अदर फिजिकल क्वांटिटी, ये सात के अलावे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी साइंटिस्ट में हम लोग जो है सो इनकाउंटर करेंगे, मतलब हमारी मुलाकात होगी, देखेंगे, इंटरेक्ट करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा कह सकते ज़्यादा, तो इसी सेवन फिजिकल क्वांटिटी से उसको डिराइव करेंगे। ये अलग बात है कि फिर उसका अपना एक ऐसा यूनिट फिर तय भी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जानते हैं फोर्स के लिए न्यूटन हो गया, जबकि यहाँ से भी वो जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग जो है सेवन बेसिक यूनिट्स के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे, हाँ, और एक बात है, ऐसा यूनिट में क्या है, प्रीफिक्सेस लगाए जाते हैं यूनिट्स में। फॉर एग्जांपल, ये मीटर है एम, मीटर, इसके पहले प्रीफिक्स लगाने से इसका सब मल्टी, इसका सब यूनिट या मल्टीपल यूनिट, इससे छोटा यूनिट, मीटर से छोटा चाहिए सेंटी लगा दो, मीटर से छोटा यूनिट हो जाएगा, किलो लगा दो मीटर से बड़ा यूनिट हो जाएगा, उसको कहते हैं मल्टीपल यूनिट। तो उस तरह से बहुत सारे प्रीफिक्सेस लगाए जाते हैं, जिसका हमारे पास इंडेक्स है, आप टेबल दिया हुआ है बुक्स में, देख लेना उसको, नहीं तो अगले दिन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।